नमस्कार। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और इस महापर्व पर आपके लिए एक ऐसा महाआसन जो कई बीमारियों में काम आए। आप देख रहे हैं कि साधक यहाँ विपरीत करनी आसन पे हैं, जो वॉल के सहारे, दीवार के सहारे किया जा रहा है। एक्चुअल में आसन वॉल के सहारे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है ताकि आप इस आसन में देर तक 5 से 10 मिनट टिक सके, रह सके। आखिर इस पांव को दीवार के साथ ऊपर करने से क्या लाभ? ये कैसा आसन है जिसको आप मात्र 5 से 10 मिनट इस तरह करें, कम से कम 13 तरह की बीमारियों में आपको तत्काल लाभ होगा। आगे बढ़ने से पहले इस आसन की स्थिति में जाना कैसे है, क्या सावधानी बरतें, किसको नहीं करना है, इसको जानने से पहले कि समझें कि किस किस बीमारी में ये एकमात्र आसन लाभकारी है, और अगर आप करते हैं तो इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में नहीं होगी। यहाँ मैंने वेबसाइट पे वशिष्ठ योग आश्रम की वेबसाइट है vyfhealth.org, जिसमें 100 से ज़्यादा आसनों का एक लाभकारी सिस्टम बताया गया है कैसे करना है। उसी में है विपरीत करने के लाभ। देखिए लिखा है कि किसमें मदद करेगा, थेरेपेटिक वैल्यू इंक्लूडिंग एंजाइटी यानी चिंता है, अर्थराइटिस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम किसी को हो, IBS है, कोलाइटिस हो, अपचन की समस्या हो, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर दोनों के लिए, इंसोमेनिया यानी अनिंद्रा, माइग्रेन, सिर दर्द होता है, आधा अधकपाड़ी कहीं कहीं कहते हैं, माइल्ड डिप्रेशन यानी थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो, रेस्पिरेटरी समस्या हो यानी श्वास से संबंधित रोग हो, यूरिनरी डिसऑर्डर, वेरिकोज वेन, ये खास तौर पे काफ़ी एक समस्या आ गई है पाँव में, वेरिकोज वेन के कारण समस्या है, मेनस्ट्रुअल क्रैम्प हो और प्रीमेनस्ट्रुअल सिंड्रोम हो, मेनोपॉज हो या इस तरह के कई तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, ये एकमात्र आसन 13 से ज़्यादा बीमारियों में आपको इमीडिएट मदद कर सकता है। इसको करना कैसे है, तो इस विधि को समझेंगे कि आप वॉल के पास आ जाते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे। एक मैं स्थिति को आपको वर्णन करने के लिए यहाँ पर एक साधक को लेते हैं, यहाँ पर आप वापस आइएगा, आप बैठ जाए, देखेंगे कि कैसे ये कर रहे हैं। आप दीवार के साथ मैट लगा के लंबा में रखेंगे और चिपक जाएंगे दीवार से। अब यहाँ से आपको टर्न करना है और आपका अपर बॉडी मैट पे आ जाए और पांव दीवार के ऊपर, धीरे धीरे लेट गए, पांव को धीरे धीरे बैंड करके ऊपर ले गए, सीधा कर दिए। किसी किसी को हो सकता है कि दीवार के साथ पूरा चिपके नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा गैप बना रहेगा। कमर दर्द किसी को हो सकता है, स्टिफ बैक रहे, टाइट रहे, तो आप अपने फोल्डेड मैट को नीचे की तरफ एक गादी को लगा करके इस आसन को कर सकते हैं, और आपका दोनों पांव के बीच में गैप हो पूरा, आप शवासन स्थिति में रहें। किसी का गर्दन ऊंचा रहता है तो यहाँ पे छोटा सा पिल्लो या कुशन लगा करके सपोर्ट दे सकते हैं ताकि नेक आपका रिलैक्स में रहे और पूरा हाथ रिलैक्सेशन पोजिशन में। अब श्वास की विधि भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको श्वास कैसे लेना छोड़ना है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साधक इस स्थिति में है और वशिष्ठ प्राणायाम कर रहे हैं, यानी श्वास को जब आप छोड़ते हैं सबको आप फील कर सकते हैं, पेट अंदर की तरफ जा रहा है, गड्ढा भी हो रहा है, और श्वास लेते हुए फिर धीरे धीरे पेट को हम फुला रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जस्ट ये आसन नहीं बल्कि आसन के साथ प्राणायाम, तो प्राण ज़्यादा बढ़ेगा, मन शांत होगा, तभी चिकित्सा होगी। आप सोचेंगे कि इस आसन में आ जाएं और अखबार लेकर के सुबह की खबरें भी पढ़ लें, मोबाइल भी चेक कर लें, क्योंकि आपका मन इस तरह से कर सकता है कि अरे पैर तो ऊपर है, कुछ ना कुछ कर लें, साथ ही साथ तो गड़बड़ हो। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति में हो वो कर सकता है। सावधानी क्या है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा पैर अगर दिक्कत हो तो बैंड भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में शरीर को बनाए रखना है तो इस तरीके से। किनको नहीं करना है, आप सब व्यक्ति इसको कर सकते हैं, लेकिन पीरियड का समय, पीरियड में ये मदद करेगा, पीरियड क्रैम्प में, लेकिन पीरियड के दौरान नहीं करना है। तो इन्वर्सन के जो भी आसन हैं उसको हम जब भी करें तो ध्यान रहे कि पीरियड उस वक्त नहीं हो तो उसको स्किप करेंगे, बाकी आसन कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर किसी को सीवियर बैक पेन है तो वो भी अवॉइड करें, पहले बैक पेन को ठीक करें। कितना देर रखना है? तो 5 से 10 मिनट आप आराम से रह सकते हैं। वेरिकोज वेन की समस्याएं जिनको है वो दिन भर में 3 बार कम से कम जरूर करें। भोजन के बाद क्या इस आसन को कर सकते हैं, ऐसा सवाल आएगा तो थोड़ा भोजन करने के इमीडिएट ना करें, आपको आधा घंटा एक घंटा इंतजार करना है उसके बाद करें। एक अलग और ऑप्शन में आपको बता रहा हूं जो बेल्ट के सहारे किया जाएगा उसको समझें, वो है सुप्त पाद अनुष्ठासन। उसके लिए घर में आप इस तरह का लंबा कपड़ा ले सकते हैं और या बेल्ट अगर हो उसको करेंगे। खासतौर पर वेरिकोज वेन वाले, घुटने के दर्द वाले इसको कर सकते हैं, घुटने में इन्फ्लामेशन है विपरीत करने कीजिए, राहत मिलेगी। अब क्या करना है, दोनों पाँव को बेल्ट किया, अब बेल्ट लगाया इस तरह से, अब मैंने पाँव को सीधा कर दिया, 90 डिग्री पे फिक्स है, थोड़ा पीछे जाएगा लेकिन पाँव सीधा रहे। बेल्ट ज़्यादा लंबा होने से आपका एल्बो हवा में नहीं रहेगा, वो भी रेस्ट करेगा। अब आप इस स्थिति में 1 से 2 मिनट रहें और आंखें बंद करके पूरे नेक को फील करें। सीधा होना इम्पॉर्टेंट है, अगर बहुत टाइट है तो थोड़ा बेंड रखें, ये अलाइनमेंट देगा, यानी पाँव को कुछ भी गड़बड़ी होगी आड़ा टेढ़ा उसको सीधा करने लगेगा। इसको 2 बार 2-2 मिनट हर पाँव में कर सकते हैं, या अपनी सहजता का ख्याल रखें कि आपको सहज नहीं है तो छोड़ दें, फिर जब वापस आएंगे तो आपको आराम करना है। अब आपको समझना है कि विपरीत करनी से हम वापस कैसे आए, वो क्या तरीका है वो भी समझना है। जैसे दोनों पाँव को आप यहाँ पे बेंड कर रहे हैं और पहले बेंड मिला दीजिए, बेंड कीजिए और फिर बायां साइड सीधे टर्न कर जाए। हम चाहेंगे कि सभी साधक धीरे धीरे वापस आए और लेफ्ट या राइट साइड टर्न कर जाए, पूरा आप समझिए वीडियो को, तभी आपको आसान रहेगा। फिर कुछ सेकेंड इसी तरह लेटे रहे, या आप चाहे मैट पर भी पूरी तरह से थोड़ा शिफ्ट करके लेट सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ी देर क्यों बैठना है, आपको ऐसी स्थिति हो सकती है कि विपरीत करने में जब आप 5 से 10 मिनट रहेंगे तो आपका पैर सुन्न हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो इसको अपोजिट पैल्विक एरिया में लाना है, तो अपान वायु से संबंधित जितने रोग हैं उसको वो नाश करता है। तो धीरे धीरे सब लोग बैठ जाएंगे सुखासन में फिर, और जब आप सुखासन में बैठ जाएं, मुद्रा लगाएं, ओंकार करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे रब करके हाथों को ढक लेंगे फिर खोलेंगे। तो इन तमाम बातों का आपको ख्याल रखना है कि सुविधाएं इस आसन में काफ़ी है, लेकिन सावधानी रखना है कि अगर आपको प्रॉब्लम है बैक का तो सपोर्ट देना है, पीरियड में है तो इसको नहीं करना है, बाकी समय में बिल्कुल किया जा सकता है। घर के बुजुर्ग को कम से कम आप जरूर इसकी सीख दीजिए। आसान है आसन, 13 से 14 प्रॉब्लम में एकदम से काम आएगा। यौन रोग की कई सारे समस्याएं लोग बताते हैं, बच्चों को भी धारण करने में दिक्कत आती है, कई बार महिलाओं को चिपचिपा पदार्थ जो श्वेत प्रदर कहते हैं उसकी भी समस्या है। ये आसन इन तमाम चीज़ों में रामबाण की तरह काम करेगा। धन्यवाद, सब लोग एक बार लंबी गहरी श्वास लें। ओम के लिए अभी आप श्वास भरते हुए ओंकार करेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को भरे ओंकार। शांति ही।